दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि कोई भी नई जानकारी जैसे ही हम अपलोड करें आप तक वह जानकारी तुरंत के तुरंत हमारे नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए और उस जानकारी से आप अवगत हो जाए। दर्शकों, बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न आ रहा है कि गुरुजी कर्ज से मुक्ति के लिए कोई उपाय बताएं, दरिद्रता से मुक्ति के लिए कोई उपाय बताएं। दर्शकों, आपको बता दूं, दीपावली जो है धन की देवी मां लक्ष्मी को मनाने का दिन होता है, धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन होता है। धनतेरस जो है धन की जो द्वारपाल है कुबेर जी महाराज, उनको मनाने का दिन होता है। आइए आज आपको कर्ज से मुक्ति के लिए दीपावली पर किए जाने वाला एक अनुभूत उपाय बता रहा हूं। एक बार मैं भी फंसा था तो मैंने इस प्रयोग को किया था और जिसको भी बताया, हर आदमी इस प्रयोग को करके सुख का अनुभूति किया, लाभान्वित हुआ। एक बार तो मैंने एक आदमी को बताया तो उसके ऊपर 8 करोड़ रुपए कर्जा था, 3 घर बेच चुका था, उसके बाद 8 करोड़ रुपए का कर्ज था। लेकिन जैसे ही हमने ये उपाय बताया उसके बिजनेस में फायदा होने लग गया और वो 8 करोड़ का कर्ज तुरंत के तुरंत निपटाकर फिर से, आपको मैं बता दूं, ताजुब होगा कि उसने 12.5 करोड़ का घर खरीद लिया। दर्शकों, इस उपाय को, ये बिल्कुल अनुभूत उपाय है, आप करके देखें। चाहे आप घोर दरिद्रता के अंदर गहन अंधेरे में फंसे हो या आपके ऊपर कितना भी कर्ज हो, आप इस उपाय को करके अति शीघ्र अपनी दरिद्रता से भी मुक्ति पा सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। जिनको ये दोनों समस्याएं नहीं हैं, वो धन समृद्धि उनको अपरंपार मिलेगा और वो सुखी संपन्न हो जाएंगे। आइए दर्शकों, यह उपाय करना कब है वो पहले बताता हूं। यह उपाय आपको दीपावली के दिन 9 बजे रात्रि के बाद करना है, दीपावली पूजन के बाद करना है। बेहतर समय 11 बजे से 1:30 बजे तक का होता है। उस वक्त अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है, लेकिन 9 बजे के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब आइए बताते हैं आपको करना क्या है। दर्शकों, इसके लिए आप एक बड़ा सा दीपक ऐसा लें जो कम से कम 2.5-3 घंटा तक जले, क्योंकि इस उपाय में उतना समय लगता है। और आप उस दीपक को शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल से आप उसको भर दें, दोनों में से जो अवेलेबल हो आपके पास, थोड़ा सा रोली थोड़ा सा हल्दी उस दीपक में डाल दें। करावे की बत्ती लगाना, मिट्टी का दीपक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और उस दीपक में 1 जोड़ा हरी इलायची यानी छोटी इलायची आप अवश्य डालना। उसके बाद उस दीपक को प्रज्वलित कर आप मां लक्ष्मी के समक्ष रख दें और उसके बाद लाल आसन बिछाकर आप हमारे बताए इस उपाय को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम गणपति महागणेश की 1 माला जाप करें, उसके बाद चाहे जो मंत्र आपको याद हो आप उस मंत्र का 1 माला जाप करें। उसके बाद 21 बार शिव दारिद्र धन स्तोत्र का पाठ करें, उसके बाद 21 बार लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें और अंत में मां लक्ष्मी की आरती उतार कर आप इस क्रिया को समाप्त करें। दर्शकों, फिर से सुन लें,
एक माला गणपति के किसी भी मंत्र का जाप करें, 21 बार शिव दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें, 21 बार ही आप लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें और उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती करने के बाद आपका उस दिन का पूजा बस खत्म हुआ और सष्टांग दंडवत मारकर आप लक्ष्मी जी से अस्थाई रूप से अपने आवास में निवास स्थान बनाने के लिए आप उनसे निवेदन करें। दर्शकों, दूसरे दिन से आप लगातार 21 दिन तक एक बार, अब 21 दिन बाकी 20 दिन क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। आप जो भी दैनिक पूजा करते हैं आप कर लिया करें, दैनिक पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी आपका नियम है पहले से वो नियम का पालन करना आपके लिए अति आवश्यक है। वो दीपावली के दिन भी पालन होगा, सब दिन पालन होता है। उसके बाद एक बार शिव दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें, एक बार लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें और फिर लक्ष्मी जी की आरती उतारें। यह क्रिया अगले 20 दिन तक आप करते रहें। जब इसमें आप दीपावली समय आपका 21 दिन खत्म हो जाता है, 21 दिन के बाद अगर आपके पास समय है या आप पूजा पाठ में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पाठ को एक बार शिव दारिद्र दहन स्तोत्र का, एक बार लक्ष्मीष्टक का पाठ सदा आजीवन करते रहें। अगर आपसे प्रतिदिन संभव नहीं है तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें और सोमवार के दिन शिव दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें। यह पाठ आप आजीवन करते रहें, आपके घर में चमत्कारिक रूप से धन संपदा की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। दरिद्रता नाम की वस्तु आपके घर में एक पल झांकने भी नहीं आ सकती, निवास करना तो दूर की बात है। मां लक्ष्मी का जहां अस्थाई निवास हो जाता है वहां मां लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी दफा हो जाती है वहां से। आपको वैसे भी पता है दो नारी इकट्ठा नहीं रहती, तो लक्ष्मी जी अलक्ष्मी से छोटी तो जरूर है लेकिन मजबूत है। जब लक्ष्मी जी विराजमान हो जाती है तो अलक्ष्मी जी को वहां से छाना पड़ता है। दर्शकों, जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, कर्ज लेना भी पड़ता है कर्ज देना भी पड़ता है, दोनों ही स्थितियों में आप सुदृढ़ रहेंगे। आप किसी को कर्ज देंगे तो भी आपका वापस जल्दी आ जाएगा और आप कर्ज लेंगे तो अतिशीघ्र कर्ज से निवृत्ति मिल जाएगी। आजकल ब्लैक मकान बंगला गाड़ी सब कुछ लोग कर्ज पे लेते हैं, लेकिन कर्ज जब चक्रव्यूह की तरह फंसा देता है तो आदमी फंस जाता है। लेकिन इस प्रयोग को करके देखें, यह दीपावली आपके लिए उजाला लेकर आएगा और आप इस दीपावली पर इस प्रयोग को करके देखें, आप अगले साल दीपावली तक ही आप एक विचित्र सुखद एहसास करेंगे कि भैया हमारे घर में क्या स्थिति एक साल पहले थी और एक साल बाद क्या स्थिति है। और जीवन में हमेशा इस उपाय को अपना के रखें। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण की, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण।